पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, उसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि मुरादाबाद की जनता किस प्रकार का सांसद अपने मुरादाबाद के लिए चाहती है। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार का सांसद ये लोग चुनना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? मनीष मदान, मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ। और यहाँ पर जो पहले एक सांसद थे श्री सर्वेश जी, जो भाजपा से दोबारा खड़े हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि वही दोबारा विजयी हो। और जो सांसद का कार्य होता है शहर का विकास करना, वो उनको करना चाहिए। और हमारे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। और जो युवाएं हैं उनको रोज़गार देना चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे उनको रोज़गार मिले। तथा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है फ्लाईओवर की, 2-3 फ्लाईओवर हैं जो यहाँ नहीं बने हैं, उनको बनवाना चाहिए। हम चाहते हैं कि वही सांसद आए जो हमारे शहर का पूर्ण विकास करें, जो रुकी परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा करवाएं और फिर मोदी जी की सरकार बनाने में उनकी मदद करें। मुरादाबाद के लिए उस टाइप का सांसद चाहिए जो हमारी पूरी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके, जिस हिसाब से हमारे जो मुरादाबाद का कल्चर है, जैसे हिंदू मॉमडन्स और सारी जातियों को एक साथ लेकर चले। ये नहीं हो कि भी मॉमडन्स हैं तो मॉमडन्स खेले गए, ये मतलब नहीं है कि आज बीजेपी आए या कांग्रेस आए। हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, पूरा अच्छा सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को हर तरीके की फैसिलिटी मिल सके। मॉमडन्स हैं जो कहते हैं, जिनकी सोच है कि भाई बीजेपी आएगी तो क्या होगा, या हम लोग सोचते हैं कि हिंदू लोग सोचते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो क्या, ऐसा नहीं है। कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए दोनों के बीच मेल जोल अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को, हम मुरादाबाद के वासियों को बहुत अच्छा आगे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। जी, हमें सांसद ऐसे चाहिए जो अपने देश का जो है विकास कर सके और अच्छी तरीके से, मतलब ये कि सरकार को चला सके। और अपना सांसद ऐसा हो जो अपने सांसद में बैठ के अपने मुरादाबाद के बारे में, यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, ये मतलब ये सही तरीके करा सके। बस हमें ऐसा सांसद चाहिए जो अपने मुरादाबाद को अच्छी तरीके से सही कर सके। जी, मुरादाबाद का सांसद हम इस तरीके से जाते हैं जो यहाँ का विकास करवाए, सड़कें बनवाए, खासकर जो कपूर कंपनी का पुल है या गोविंद नगर का जो नीचे पुल बनना वो बन जाए, मतलब विकास से संबंधित सारे काम हो, बिजली पानी हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे, इस तरीके का सांसद चाहते हैं। सर्वेश जी एक ने काफ़ी काम करवाया है पिछले 5 सालों में, और उन्हीं से हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे और भी अच्छा काम करवा सकते हैं वो। बाकी एसटीएसएन भी आपके अच्छे आदमी हैं, और इमरान जी को मैं तो कुछ ज़्यादा खास जानता नहीं हूँ, एसटीएसएन भी अच्छा काम करवा सकते हैं। कैसा होना चाहिए सांसद? ऐसा वो है इस लेवल पे कि मतलब अच्छे हैं और काफ़ी कुछ कर रहा है, और एज अ गवर्नमेंट भी बीजेपी की आ रही है तो सब कुछ बीजेपी की है, तो बीजेपी आए 100% हमारा ये है कि बीजेपी आए। बीजेपी का शासन चाहिए, स्वच्छ शासन चाहिए। हमें ऐसा सांसद चाहिए जो समाज के लिए सबको साथ लेकर चले और सबके लिए भलाई के कार्य करे, अच्छे कार्य करे। अनुशासन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब पुलिस का डंडा भी मजबूत होना चाहिए और पब्लिक का भी, अगर पब्लिक के प्रति अगर पब्लिक ही अपराध कर रही है तो उसका भी डंडा मजबूत होना चाहिए। ये तो वैसे कुछ सर्वेश जी ही श्रेष्ठ लगते हैं, बाकी इनकी जो कुछ सोच अलग है, डिफरेंट है, इमरान प्रतापगढ़ी भी हों चाहे हमारे ये हों एसटी हसन साहब। अब सर्वेश हमारे ज़्यादा मतलब उतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब सही मान के चलूँगा, बाकी मैंने उनसे अभी कोई बेनिफिट बात तो नहीं, लेकिन फिर भी सही है। मुरादाबाद में सर्वेश कुमार जैसे सांसद चाहिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और एक उन्होंने पिछले 5 सालों में अच्छा काम किया है, काफ़ी गवर्नमेंट की योजनाएं जो हैं वो यहां पर करवाई हैं, और हम ये चाहते हैं कि दोबारा से कुंवर सर्वेश सिंह ही यहां के सांसद बने। मुरादाबाद की जनता की यही इस वक्त आवाज़ लग रही है इस वक्त, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और देश हित के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि मोदी जी की सरकार बने और यहाँ से मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह ही सांसद बने। अच्छा जो विकास करे, अच्छा काम करे, क्योंकि इन 5 सालों में तो कोई विकास ही नहीं हुआ। हमने देखा सर्वेश सिंह को कहीं शहर में दिखाया, होली पर दिखाई देगा, कहीं पर त्यौहार पर दिखाई देगा, वैसा दिखाई नहीं देते। अब ये इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं, ये ज़रूर विकास के लिए काम करेंगे और शहर में रहेंगे। लोकल साइड का पुल था वो नहीं बना अभी तक पूरा, और बहुत हैं सड़कें हैं, ये हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से ये मोदी सरकार ने GST लगा दी, व्यापारी परेशान है, आज व्यापार नहीं है। नोटबंदी सबसे ज़्यादा खतरनाक, नोटबंदी में कितना व्यापारी परेशान हुआ, आज तक सब भूल गए। उन टाइम में सबको याद था कि बैंकों में लाइन लगी, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग परेशान हुए, सब भूल गए बीजेपी को। उस टाइम तो हाय हाय हो रही थी, अब फिर वही हो गई।
मंदी मुद्दा उठाया था, मंदी मुद्दा भी खत्म हो गया, हर मुद्दे खत्म कर देते हैं। हमें ठीक है, मोदी सरकार बढ़िया है, अच्छा चला रही है मोदी सरकार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गैस में लाइन लगनी पड़ती है, गैस मिलने चालू हो गई, बिजली आ रही है 24 घंटे, ये कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं आता था, ऐसे सुविधा नहीं होती थी। और 5 सालों में कितना विकास करेंगे, तो विकास कर रहे हैं, वो अपने हिसाब का विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि रोड भी बन रही है, सड़कें बन रही है और गैस मिलना चालू हो गई, सब कुछ मिल रहे हैं, अब कुछ कुछ हाँ सब कुछ हो रहा है। और हमें तो भाजपा जैसी सरकार और मोदी जैसे होना चाहिए। और चौकीदार जो है वो कभी चोर हो ही नहीं सकता है, चौकीदार चोर बोल रहे हैं ये तो गलत बोलते हैं ना। कांग्रेस ने इतने साल तक कोई विकास ही नहीं हुआ, इतना ही तो मोदी सरकार कर रही है, इतना ही भी और किसी से सरकार ने नहीं करी। भाजपा सरकार ठीक है, सब बढ़िया कर रहे हैं, हम तो भाजपा सरकार को ही चाहते हैं। जैसे कि हमने जाना, यहाँ के निवासियों ने किस प्रकार से बताया कि मुरादाबाद के लिए किस प्रकार का हमें सांसद चाहिए। किसी का मत था कि बीजेपी आए, किसी का था कि कांग्रेस पार्टी आए।